इसके बेटे का चलेगा पूरी दुनिया पे अम्र। लिहाजा सैयदा से ताल्लुक कायम कर लो। हाँ, इतनी सैयदा के दुश्मनों की वकालत ना करो कि शफात से भी महरूम हो जाओ। बस इतना ही मैंने पढ़ना था। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अली की बात क्या ही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीजान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, अली हक नारा है, है अली। एक आयत पढूं, पढूं। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نبیوں کو ارسال کیا بینات کے ساتھ اور کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ میزان کو، میزان کو، اب میزان کیا ہے؟ आप पढ़ो अमीर कायनात की जियारत, नजफ में जाके इनको पढ़ाओ, लिखी हुई अस्सलामु अलैका या आमाल अल मीजान व या सूबल ईमान, ओ ईमान का सरदार अमाल की मीजान तुझ पे मेरा सलाम हो। कुरान में मीजान नाम ही हैदर ए कर्रार का है, बुलांदा हैदरी। चलो मैं अब समेटने लगा हूं, मेरी गुजारिश कुछ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये भी बड़ा ठीक है, लेकिन एक सलवात जिसकी वजह से जहान कायम है उसके जहूर के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजा आले मुहम्मद। अगर मैं गुजारिश समझा सकाऊं, हजूर परेशान हुए, उन्होंने कहा नाम मिट जाएगा, पैगाम मिट जाएगा। नबी गए, नाम मिट गया या नहीं? बोलो, पैगाम मिट गया या नहीं? सारे नबियों का पैगाम भी मिट गया, नाम भी मिट गया, तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, अंजील बदल गई, मैं कुछ कह रहा हूं, शरीयतें बदल गई, नजरियात बदल गए। आज मुस्तफा की शरीयत भी बाकी, कुरान भी बाकी, तो सदका किसका है? इन्ना आता है ना कल कौसर, मेरा महबूब फिकर न कर, तुझे कौसर अता करूंगा, तेरा नाम भी बाकी रहेगा, तेरा पैगाम भी बाकी रहेगा। तो जिसके सदके से पैगाम और नाम बाकी है, ये उनके यौम है। तो मुसलमानों को मनाने चाहिए या नहीं? यौम सैयदा मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। वैसे ही आबादी खातीन की मर्दों से ज्यादा है, ज्यादा है ना। अब मैं खातीन से पूछता हूं, अगर सैयदा का यौम ना मनाया तो तुम्हारा राहबर कौन है? नहीं सुन रहे जी, मैं क्या कह रहा हूं। आज निस्वा के हकूक पे बड़ी बातें अंजुमने, मेरे साथ हो जी। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, पहली मुअज्जिमा मादने इस्मत ये शहजादी है जो निस्वा के हकूक की मुहाफिजा बन के गई है। नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। जाके हक तलब किया है,
बेटी होने का, मैं बाप की मुझे मीरास मिलनी। मैं कुछ कह रहा, बेटियों का हक ही खत्म हो जाता अगर बतूल दरबार में ना जाता। तो इसका मतलब है तमाम खातीन को यौम सैयदा मनाना चाहिए। मैं बुनियाद पे बात कर रहा हूं, अगर मुसलमान गौर करे तो। वैसे सब मस्तूरात जन्नत चाहती हैं, तो सकलैन के हादी की हदीस यही है, सैयदतुन निसाइल आलमीन, जन्नत में वो ही मस्तूर जाएगी जिसकी कयादत सैयदा फरमाएगी। तो समझ आ रही है मेरी बात की क्या? लिहाजा जो तलबे जन्नत रखते हैं उनको भी सैयदा का यौम, कुछ बोलो तो सही हो खुदा के वास्ते। अब एक बात और करके मैं इजाजत लेने लगा। हाँ, लोग उससे भी ताल्लुक रखते हैं जिसका बेटा कोई बाख्तियार हो। बहुत पीछे रह के सुनते हो, खड़े हो पढ़िया तो मैं बड़ा है पर तुसा याद नहीं रखिया, जे कुछ रख दियो तो ये हालत नाना हो गया। ओ देखो, कोई हुक्मरान है उसकी माँ है तो ताल्लुक रखते हैं या नहीं? अगर हुक्मरान माँ का कोई अदब करता है तो है ना। हाँ, किसी का बेटा हुक्मरान बनने वाला हो तो उस माँ से भी ताल्लुक जोड़ते हैं। ओ आलम इस्लाम, गफलत ना करो। रसूल सकलैन ने ऐलान करके कहा, अल महदी मिन इतरती औलाद सैयदा, महदी मेरी इतरत से होगा, मेरी बेटी का बेटा होगा। तो समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? आलम इस्लाम की कयादत इसी के बेटे के हाथ में है। नहीं सुन रहे जी? किसके हाथ में है जी? नाम तो लो, इमामे कुरान नाफिज किसने करना है? किसने करना है? मुअत्तल सुन्नत को किसने नाफिज करना है? ये मजमा क्यों चुप है जी? या इमाम मुंतजर, सब बोलो या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। क्यों जी? इस्लाम की हकूमत आलमीन पे किसने कायम करनी है? जल्दी बोलो बच्चो, इमाम जमाना नहीं कायम करनी है? इक्तदार इस्लाम का, शाही इस्लाम की, जालिमों को मिटाना किसने? मैं क्यों नहीं है मजमेदा, क्यों नहीं सीना तान के सरदार का ना लेंदे? तुहाड़ा दिल नहीं करदा जालिम मुख जान? नहीं करदा? बस दिल ते भी लानत है जिसमें ये चाहत नहीं है। जो चाहते हो आज ही जालिमों से जमीन साफ हो, इश्क से दोनों हाथ बुलंद कर गए, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतकिम, नाराए हैदरी। तो इसके बेटे का चलेगा पूरी दुनिया पे अम्र, लिहाजा सैयदा से ताल्लुक कायम कर लो। हाँ, इतनी सैयदा के दुश्मनों की वकालत ना करो कि शफात से भी महरूम हो जाओ। बस इतना ही मैंने पढ़ना था, आज जो मैंने कहना था अर्ज कर दिया है। दुआ करो सैयदा का लाल जल दिया है, और बीबी की बारगाह में गुजारिश करो, मखदूमा तेरा हुक्म चलना है। अपने लाल को कह हमें अपने लश्कर में शामिल करे, मजलूम तेरे बेटे हुसैन का खून का बदला लेने के।